और तीर्थराज प्रयाग के पास क्या है? बोले चार पदार्थ भरे भंडारू, समन सकल भव रुचि परिवारू। जय हो। चार चीजें हैं प्रयागराज जी महाराज प्रदान करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार चीजें तीर्थराज प्रयाग में प्राप्त होती है। अगर इस कथा में आए हो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसकी भी कामना करोगे वो सब मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। लेकिन प्रसन्नता से एकदम मगन होकर, जैसे दवाई को खूब मुंह बनाकर जब पियोगे ना तो दवाइयां कम काम करता है, लेकिन दवाई को ये सोचकर पियोगे कि हम ठीक नहीं होंगे अगर दवाई पियेंगे नहीं तो दवाइयां जल्दी काम करता है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्वास जब जग जाता है तो वह दवा थोड़ा जल्दी काम असर में आती है, और जब तक आत्मविश्वास नहीं जगता तब तक वह दवा कारगर नहीं होती। तो दवाई कोई भी हो भैया, आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती ही है, इसलिए अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें और अपने आत्मा को इस कथा में लगाए रखें। श्री ध्रुव जी महाराज को परमात्मा पुकार रहे हैं, भगवान की आवाज सुनकर के भी ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि वो इतने मगन है परमात्मा के हृदय में दर्शन करते हुए कि उनको बाहर क्या हो रहा है ये कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। भगवान ने देखा कि आखिर क्यों मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो देखा कि हृदय में ध्रुव जी महाराज ने एक छवि बसा रखी है ईश्वर की, उस छवि के कारण ध्रुव जी कुछ नहीं सुन रहे, ध्यान मग्न है। परमात्मा ने कहा पहले इस छवि का यहां से पतन करना होगा, जब तक ये छवि इसके हृदय में रहेगी तब तक ये हमारी बात को सुनेगा नहीं, तब तक ये कथा हमारे सुंदर स्वरूप का, साक्षात रूप का दर्शन नहीं करेगा। भगवान उनके हृदय से अंतर ध्यान हो गए, चौंक गए, हड़बड़ा गए। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली हैं, आंखें खोले तो जो छवि हृदय में थी वही छवि परमात्मा की, परमात्मा सामने खड़े, वही छवि सामने दिखाई पड़ रही, मगन हो गए और मगन होकर के मुस्कुरा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं अब क्या करूं इसके आगे। हाँ, भगवान तो मिल गया, अब इसकी स्तुति करनी चाहिए ना, और स्तुति करने के लिए मुझे शास्त्रों का तो कोई ज्ञान है नहीं, स्तुति